अयोध्या राम मंदिर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सभी पक्षों की दलीलें लगभग खत्म हो चुकी है और अब दोनों पक्ष कोर्ट में एक दूसरे के सवालों के जवाब रख रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट में राजीव धवन पहले ही हार मान चुके हैं। कोर्ट में दलीलें रखने से ज्यादा राजीव धवन इधर उधर की बातें करते रहते हैं। धवन को कोर्ट ने इसके लिए फटकार भी लगा चुकी है। दरअसल कोर्ट में राजीव धवन ने फिर से सोशल मीडिया पर धमकी मिलने की बात कही है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इन सब बातों पर ध्यान न दे और मामले की सुनवाई समय से पूरी करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी पक्षों को ऐसे किसी भी धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। पहले भी मुस्लिम पक्ष की ओर से सुनवाई के लिए एक्स्ट्रा समय मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि एक्स्ट्रा समय नहीं दी जाएगी। सभी पक्षों को तय समय पर ही सुनवाई को खत्म करना होगा। राम मंदिर के वकील सीएस वैद्यनाथन ने 36वें दिन की सुनवाई में मजबूत दलील दे चुके हैं। वरिष्ठ वकील वैद्यनाथन ने कोर्ट में मुस्लिम पक्ष द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब दिए। वैद्यनाथन ने कोर्ट में ऐसी सबूत पेश की जिसे ये पता चल रहा है कि मस्जिद के नीचे मंदिर थी। मंदिर पक्ष के वकील ने ये भी कहा कि जो सबूत हमारे पास है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर काफी गंभीर है और कोर्ट ने सुनवाई की समय को और कम कर दिया है। पहले 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी करनी थी, लेकिन अब 17 अक्टूबर तक राम मंदिर मामले की सुनवाई खत्म हो जाएगी। इसके बाद 4 हफ्ते कोर्ट को फैसला लिखने में लगेगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि अपने रिटायरमेंट से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई फैसला सुनाने के मूड में है, जिसके बाद राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो सकता है। भगवान राम दुनिया को चलाते हैं, लेकिन कलयुग में उनके ही मंदिर के लिए कोर्ट में केस चल रहा है। दशकों से राम भक्त मंदिर बनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मंदिर बनने का रास्ता जल्द ही साफ हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रुख से ये लग रहा है कि इस नवंबर कोर्ट फैसला सुना दे। हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों की दलीलें लगभग खत्म हो चुकी है, अब बस सुनवाई अंतिम पड़ाव पर है। लेकिन अक्टूबर के महीने में ही दिवाली से पहले अयोध्या में हलचल बढ़ गई है। अयोध्या जिला प्रशासन ने कोर्ट से फैसला आने से पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। अयोध्या प्रशासन ने सरकार से अतिरिक्त फोर्स की मांग की है। अब अयोध्या में बाहर से अतिरिक्त फोर्स मंगाए जाएंगे। आपको बता दें कि दिवाली से पहले अयोध्या में हलचल बढ़ गई है। राम मंदिर बनने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, अब बस सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने का इंतजार है। मंदिर से जुड़े लोगों का कहना है कि मंदिर बनने की पूरी तैयारी हो चुकी है, अब जैसे ही कोर्ट फैसला सुनाएगी वैसे ही अगले दिन से भव्य मंदिर का निर्माण भी शुरू कर दिया जाएगा। राम मंदिर के वकील सीएस वैद्यनाथन ने भी कहा है कि मंदिर पक्ष के पास मजबूत सबूत है, जिससे मंदिर पक्ष में फैसला आने की उम्मीद है। अब फैसला आने से पहले योगी सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है, क्योंकि कोर्ट से इस नवंबर फैसला आने की पूरी उम्मीद है। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस की जो हाल है, ऐसी हालत पहले कभी नहीं हुई थी। कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर ऐसे भाग रहे हैं जैसे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में ताला लगने वाला हो। मुंबई, हरियाणा या फिर यूपी हो, हर जगह कांग्रेस में हलचल मच गई है। नेताओं का भागम भाग जारी है। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ही जगह चुनाव है। इसके साथ ही हरियाणा और मुंबई कांग्रेस में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके संजय निरुपम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी के अंदर सिस्टमैटिक फॉल्ट हो गया है, अगर ऐसा ही हालत रहा तो कांग्रेस तबाह हो जाएगी। आपको बता दें कि मुंबई में टिकट बंटवारे को लेकर संजय निरुपम नाराज चल रहे हैं। निरुपम कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार भी नहीं करेंगे। निरुपम ने आगे यह भी कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ पार्टी के ही लोग साजिश कर रहे हैं। तो उधर हरियाणा में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके अशोक तंवर ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब अशोक तंवर पार्टी के लिए मुसीबत बने हुए हैं। इसके साथ ही चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में खलबली मची हुई है।
मुंबई कांग्रेस के नेता संजय निरुपम की तरह ही अशोक तंवर ने भी कहा कि कांग्रेस में राहुल गांधी के करीबियों को किनारे लगाया जा रहा है और उनके खिलाफ साजिश हो रही है। अब पार्टी के अंदर ही राहुल गांधी के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है, ये सोनिया गांधी के लिए चिंता की बात जरूर होगी। नवजोत सिंह सिद्धू अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। सिद्धू को राहुल प्रियंका का करीबी माना जाता है। सिद्धू जब से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस गए हैं तब से ही विवादों में घिरे रहते हैं। पहले इमरान खान के शपथ ग्रहण में पाकिस्तान चले गए और वहां जाकर इमरान खान को यार बता दिया। उसके बाद पाक आर्मी चीफ बाजवा से गले मिले। इसके साथ ही खालिस्तान समर्थक आतंकी गोपाल सिंह चावला के साथ फोटो खिंचवा लिया और जब ये फोटो वायरल हुआ तो भारत में बवाल मच गया। सिद्धू पर सवाल उठने लगे। फिर विवादों को बढ़ता देख सिद्धू बोले, राहुल गांधी ने मुझे पाकिस्तान भेजा था, राहुल गांधी मेरे कप्तान है। तो वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान सिद्धू कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे और जब चुनाव से पहले अमेठी से राहुल गांधी की हार पर बातें होने लगी तो सिद्धू बोले कि अगर राहुल गांधी अमेठी से हार जाते हैं तो वो राजनीति से ही इस्तीफा दे देंगे। लेकिन राहुल गांधी अमेठी से हार गए और सिद्धू अपनी बातों से पलट गए। अब कांग्रेस ने सिद्धू को पार्टी से साइडलाइन करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिद्धू से प्रचार नहीं करवाएगी। पिछले कुछ समय में सिद्धू की जो छवि बनी है उसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी सिद्धू को चुनाव प्रचार से दूर ही रखेगी। इसी छवि के कारण नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पंजाब कांग्रेस से साइड कर दिया है और अब सिद्धू के पास ना ही कपिल शर्मा का शो बचा है और इधर राजनीति में भी सिद्धू का काम तमाम होता दिख रहा है। मिशन चंद्रयान 2 इसरो के वैज्ञानिकों ने शुरू की थी लेकिन देखते ही देखते ये मिशन पूरा देश का बन गया। 7 सितंबर को इसरो का लैंडर विक्रम से संपर्क टूटा था और चांद पर विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हुई थी लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और 14 दिनों तक विक्रम में जान फूंकने की खूब कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बाद में लैंडर के हार्ड लैंडिंग की पुष्टि नासा और इसरो के वैज्ञानिकों ने की थी लेकिन इसरो ने माना है कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद के पास घूम रहा है और ऑर्बिटर में ऐसे कैमरे लगे हैं जिससे चांद के बारे में इसरो को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लग सकती है। इसरो ने अब चंद्रयान 2 के बारे में नई जानकारियां साझा की है। दरअसल इसरो ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के कैमरे से चांद की खींची तस्वीरें जारी की है। ऑर्बिटर के हाई रेजोल्यूशन कैमरे से खींची इन तस्वीरों में चांद की अलग ही झलक देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले ही ऑर्बिटर से खींची तस्वीरों के जरिए इसरो ने विक्रम लैंडर की लोकेशन मिलने की जानकारी दी थी। कुछ दिन पहले ही चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की सटीक लोकेशन का पता लगाया गया था। ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर की एक थर्मल इमेज भेजी है। आपको बता दें कि चांद पर 14 दिनों बाद रात होती है इसलिए 14 दिनों बाद चांद पर रात होने की वजह से इसरो की लैंडर विक्रम से संपर्क करने की उम्मीदें खत्म हो गई थी लेकिन अपना ऑर्बिटर लगभग 7 साल तक चांद की कक्षा के पास घूमता रहेगा। 2 अक्टूबर को पूरा देश गांधी जयंती मनाता है और इस बार 2019 की गांधी जयंती बहुत ही खास है क्योंकि हम लोग गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। गांधी जी की जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। एक सवाल हर भारतीय के मन में जरूर आता होगा कि भारत के नोटों पर छपने वाली गांधी जी की तस्वीर कहां से आई, इस तस्वीर को किसने खींची और इसके पीछे की कहानी क्या है। दरअसल भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीरें सबसे पहले 5 और 10 रुपए के नोटों पर साल 1969 में छपी थी। उस तस्वीर में गांधी जी के पीछे सेवाग्राम आश्रम भी था और यह साल गांधी जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी था। महात्मा गांधी की तस्वीर से पहले भारतीय रुपए पर किंग जॉर्ज की तस्वीर भी छपा करती थी। किंग जॉर्ज की तस्वीर वाला नोट 1949 तक चलन में था।
इसके बाद अशोक स्तंभ वाला नोट आया। आपको बता दे कि साल 1996 में पहली बार महात्मा गांधी की तस्वीर वाले नोटों की सीरीज जारी की गई थी। बापू की जो तस्वीर आज हम नोटों पर देखते हैं, वो तस्वीर वायसराय हाउस यानी अब के राष्ट्रपति भवन में 1946 में खींची गई थी। उस वक्त राष्ट्रपिता म्यांमार और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी फेडरिक पैथिक लॉरेंस से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। उस वक्त गांधी जी भी उस मुलाकात में मौजूद थे और बापू की इस तस्वीर को उसी वक्त खींची गई थी जो आज आप भारतीय नोटों पर देखते हैं। लेकिन उस तस्वीर को किस फोटोग्राफर ने खींची थी इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। शायद उस वक्त उस फोटोग्राफर का नाम किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। आरबीआई ने साल 1996 में नोटों के डिजाइन में बदलाव करने का फैसला किया और अशोक स्तंभ की जगह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो को स्थान दिया गया। इसके साथ ही अशोक स्तंभ को नोट के निचले हिस्से में बाईं तरफ रखा गया। अशोक स्तंभ अब निचले हिस्से में दाईं ओर नजर आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक सभी नोटों पर वाटरमार्क एरिया में गांधी जी की फोटो मुद्रित करने की सिफारिश 15 जुलाई 1993 को की गई थी, जबकि नोट में दाहिनी ओर गांधी जी की तस्वीर मुद्रित करने की सिफारिश 13 जुलाई 1995 को तत्कालीन केंद्र सरकार ने की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।